हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्ज के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। दिन को स्वल्प जान लागते वही जो भक्ति काय को न आई स्मृति हो। धन्य धन्य तीन से काज सब आज भाए कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा कल तक अपने यहाँ हुई है। श्रावक की चलती हुई इस चर्चा में आज अष्ट मूल गुणों का कथन किया जाना है। मूल गुण मूल माने जड़ मूल मूल गुण माने ऐसे गुण जिनके बिना उस पद का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे मुनिराजों के मूल गुण तो उन मूल गुणों के बिना मुनि पद संभव नहीं है। आचार्यों के मूल गुण माने उसके बिना आचार्य पद संभव नहीं है। सिद्धों के मूल गुण माने उसके बिना सिद्ध पद संभव नहीं है। तो श्रावकों के मूल गुण माने उसके बिना श्रावक बनना संभव नहीं है। मूल माने जड़, जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता है ना। जड़ है उस जड़ से ही वृक्ष खड़ा है और जड़ ही नहीं है तो फिर वो खड़ा नहीं रह सकता। तो मूल शब्द का अर्थ होता है जड़। तो मूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं वो भी श्रावक के। और संख्या कितनी है बोले आठ, अष्ट अष्ट मूल गुण कहलाते हैं। नाम क्या क्या है इन अष्ट मूल गुणों के उसकी चर्चा हम यहाँ से कर रहे हैं। हमने तीन प्रकार से मूल गुणों की चर्चा दो दिन पहले आपके बीच में की थी, दो तीन दिन पुरानी बात होगी। तीन प्रकार से की थी अष्ट मूल गुणों के नाम माने 24 शब्द बतलाने हैं आपको। पहले अष्ट मूल गुण कौन कौन से, पांच उदम्बर फल का त्याग और मध्यमांश मधु का त्याग, आठ हो गए। पांच उदम्बर फल और तीन मकार, ठीक है, इनका त्याग। दूसरे प्रकार से पांच अणुव्रत और मध्यमांश मधु का त्याग, पांच अणुव्रतों का पालन। पालन बोलना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सबका ही त्याग कर दो आप, अणुव्रतों का भी त्याग हो जाए। पांच अणुव्रतों का पालन और मध्यमांश मधु का त्याग, ये दूसरा प्रकार हुआ। और तीसरा प्रकार जो बहुत चलता है समाज में और प्रसिद्ध भी बहुत है वो क्या है, बोले मध्यमांस मधु तो कॉमन ही थे तीन, एक कहा पंच उदम्बर फल, इसको एक नंबर दिया बस, पांचों को मिला करके एक ही बात कह दी तो चार हो गए। अब इसके बाद में दिन में भोजन, छान के पानी, रोजाना देव दर्शन और जीव दया। दिन में चांद के पानी, रोजाना देव दर्शन, दिन में भोजन, चांद के पानी, नित्य जनालय तीन और जीव दया चार हो गए। मध्यमांस मधु का त्याग सात हो गए और पंच उदम्बर फल का त्याग आठवां। इस तरह से तीन प्रकार से शास्त्रों में इन अष्ट मूल गुणों की चर्चा मिलती है। वैसे तो सभी प्रकार का पालन किया जाना चाहिए एक श्रावक के लिए। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि साहब अणुव्रतों का पालन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अणुव्रत तो पंचम गुण स्थान में होंगे ना, बाकी तो सब हो ही जाएगा। मध्यमांस मधु के त्याग में क्या दम है और पंचोदम्बर फलों के त्याग में क्या दम है, ये भी हो जाएगा। और रही बात रात्रि भोजन त्याग की, रोजाना देव दर्शन करने की, इसमें भी कोई बात नहीं है। जीव दया परिणाम अंदर में है। एक जरूर खतरनाक है वो है बिना चने जल का त्याग।
ये बहुत खतरनाक है। माने ये मूल गुणों में बिना चने जल का त्याग करना ये कठिन तो नहीं है पालन करने वालों के लिए, लेकिन इसलिए कठिन कह रहा हूँ कि बिना चने जल का जैसे ही आपने त्याग कर दिया वैसे आपका शादी विवाह बर्थडे पार्टी सब में खाना पीना बंद हो गया, बाजार का सब खाना पीना बंद हो गया, सब बिना चना जल रही है, सारी चीज़ों का त्याग हो, फिर तो आप अपने साथ में छन्ना लेकर के चलो क्या। बिना चने जल के त्याग में आप गीजर वीजर के तो खैर नहाने की बात ही नहीं है कुछ भी, और आप नहाने के पानी में भी बिना चना उपयोग में नहीं ले सकते। आप नहाने की बाल्टी में भी यदि समझ लीजिए बाल्टी भरी हुई है और आधे एक घंटे बाद में नहा रहे हैं, आप एक घंटे दो घंटे बाद तो फिर वो छानना पड़ेगा। ये बच्चों की जो प्रतिज्ञाएं हैं बिना चना जल काम न लेंगे, ये सिखाते काम में नहीं आना चाहिए बिना चना पानी। अभी काम में नहीं आना ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्कृष्ट बात है, लेकिन बिना चना जल पिए तो नहीं कम से कम, समझ में आ रही है बात। छः घंटे की मर्यादा वाला पियो, 24 घंटे की मर्यादा वाला पियो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, मर्यादा के अंदर पियो तो कोई बात ही नहीं है। हाँ यदि आपने पानी को उबाल करके बाल्टी भरी है, उबाला हुआ पानी डाल के, तो फिर उसकी मर्यादा 24 घंटे की होगी, फिर मर्यादा कम गर्म किया है तो 6 घंटे की मर्यादा होगी, 12 घंटे की होगी। देखिए खैर इन सब का पालन यथासंभव यथाशक्ति किया ही जाना चाहिए, नहीं तो कह दिया मूल है, इसके बिना किसी को ये मत कहते ना हम तो श्रावक हैं। क्या साहब क्या ढोलिया जी, हम किसी को हम तो श्रावक हैं साहब, हम तो श्रावक हैं। तुम जानते हो श्रावक कौन होते हैं, सात्विक श्रावक कौन होते हैं, जो मूल गुणों का पालन करे वो श्रावक है। आज गुरुदेव जन्म जयंती का प्रसंग है क्या, जीवन पर्यंत गुरुदेव ने बिना चने जल की एक बूंद प्रयोग में नहीं बताया। उनका अध्यात्म उनका अंतरंग जितना उत्कृष्ट था उनका बहिरंग चारित्र भी कम नहीं था, बहुत जबरदस्त था। उन्होंने कभी जीवन में स्याही का पेन से लिखा नहीं, बॉल पेन से नहीं लिखा, इंक पेन से नहीं लिखा, हमेशा पेंसिल प्रयोग में ली। पता है मानो जी क्यों, क्योंकि स्याही में बिना चना पानी दोष लगेगा। बोलो माने किस लेवल तक कोई व्यक्ति सोचते हैं और किस लेवल तक पालन करते हैं इसका उत्कृष्ट उदाहरण है छोटी उम्र से। तो स्थानकवासी संप्रदाय में थे ना तो वहाँ से चल रही थी वो बात जो भी है, लेकिन अंदर में कितना दृढ़ता होती है। मेरा एक 13 मिनट का ऑडियो है, डाल दिया होगा या तो दुरुपयोग पे कहीं, तो सुनने लायक है सच में। यदि उनके संबंध में जानना हो ना आपको गहराई से और वो क्या व्यक्तित्व थे तो 13 मिनट निकाल करके सुनना, आज सुनना और सुनाना। किसी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो ना कि ये कौन थे तो वो पता होना चाहिए हमारे को एक बार। हाँ मोबाइल में तो आएगा और कहीं में आएगा, साफ सामने तो बोल नहीं रहा हूँ तो फिर मोबाइल में आएगा। हाँ बिल्कुल, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मूल गुण क्या चीज़ है जिनका पालन प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है, क्या चीज़ है वो। देखो जरा 23 नंबर के श्लोक में बात करते हैं, 326 नंबर पेज है। अहिंसा सत्यमस्तेयम् स्वस्त्री मित वसुरहौ मध्यमांस मधु त्यागेस्तेषामूल गुणाष्टकम्। क्या कह रहे हैं, उन गृहस्थ पुरुषों के मध्य त्याग, मध्य माने शराब, मांस त्याग मीट और मधु त्याग हनी शहद का त्याग, इनके सहित हिंसा न करना, अहिंसानुव्रत सच बोलना
सत्यानुव्रत, चोरी न करना, अचौर्य अनुव्रत, स्वय स्त्री संतोष के ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिमित वस्तु का संग्रह या परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ये आठ मूल गुण कहलाते हैं। ये आठ मूल गुण है, मैंने बताया था ना अभी, मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में दो प्रवचनों के अंदर अष्ट मूल गुणों की चर्चा की, एक में अकेले मांस की चर्चा की, मांस भक्षण के संदर्भ में। अब आप कहेंगे साहब, ये मांस भक्षण के त्याग की चर्चा हमारी सभा में क्या करने की जरूरत है? नहीं समझो, अपने अपन, अपनी सभा में तो हम ऐसी चर्चा करने से क्या मतलब है, मांस भक्षण के त्याग की चर्चा। लेकिन क्या आप मांस भक्षण के त्यागी हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बोलो आपने त्याग किया हुआ है क्या? यदि आपने त्याग नहीं किया हुआ है तो मांस खाने का पाप रोजाना लग रहा है। अरे यहाँ क्या बात कर रहे हो, हमने तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसा, हमने तो सोचा ही नहीं था मांस मांस खाने का, हमारे जैनियों के घर में क्या काम मांस का, हमने त्याग नहीं किया, इसका भी कोई त्याग किया जाता है क्या? सुनो, त्याग किया जाता है। ये अष्ट मूल गुणों के संदर्भ में एक बहुत सुंदर वाक्य मैंने जब शुरू किया वहां, तो मैंने कहा कि सुनो, अष्ट मूल गुणों के नाम जानते हो क्या आप? सभा में 125 लोगों की सभा में दो लोग नाम जानते थे, अपनी सभा में कितने लोग नाम जानते थे बतलाओ? बतलाने के पहले की पूछ रहा हूं, अभी तो सबको पता लग गए। और नाम जानते, जब नाम नहीं जानते तो पालन करना क्या होगा बताओ, फिर पालन क्या करते होंगे? सुनो, मैंने ऐसा भी पूछा वहाँ सभा में जो आपकी सभा में पूछता हूँ, अष्ट मूल गुणों का पालन अपने जीवन में कभी न कभी किसी भी व्यक्ति ने कभी भी ना किया हो वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे। क्या क्या पूछा मैंने? जिसने अपने जीवन में आज तक की लाइफ में कभी अष्ट मूल गुणों का पालन ना किया हो वो हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे। और आप लोगों के भी बहुत लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे क्या? लेकिन बताया है मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपने सबने पालन किया है क्या? पूर्व भाव में नहीं, मैं इसी भाव की कह रहा हूँ किया है। अब आप कहोगे कैसे कि सुनो, हमारे यहाँ जैन परंपरा में जैन बनाने के लिए 40वें दिन मंदिर लाते हैं बच्चों को, बच्चे होते हैं ना पैदा होने के बाद 40-41 दिन जो भी, एक दो दिन आगे पीछे सही अच्छा दिन देखकर वो मंदिर लेकर के आते हैं। उस दिन क्या किया जाता है, बच्चे को जैन बनाया जाता है क्या भाई? उस दिन जैन बनाते हैं बच्चे को। अब कैसे बनाते हैं जैन, कि पहली बार मंदिर में लाकर क्या, जन्म से 40 दिन बाद पहली बार मंदिर में लाकर वेदी के सामने उसको लिटाकर के गोद में जैसे भी संभव हो उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं क्या? न केवल नमोकार मंत्र सुनाते हैं, अष्ट मूल गुण बतला करके उसे पालन करने की प्रेरणा देते हैं। और माता पिता को ये कहा जाता है कि 8 वर्ष तक इसके पालन करने की जवाबदारी आपकी है। क्या जैन साहब, हम भी जब जन्म हुआ था ना हमारा क्या, तो हमें भी जैन बनाया गया था मंदिर ला करके, भूल गए? 8 साल तक की जिम्मेदारी थी क्यों साहब माता पिता की? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अष्ट मूल गुणों के पालन करने की प्रतिज्ञा पूर्वक जैन बना जाता है क्या? ये अष्ट मूल गुणों के पालन की प्रक्रिया हमारे जैन बनने की प्रक्रिया है भाई साहब। जैन कैसे बना जाता है सोचना गंभीरता से कि साहब कोई बात नहीं, फिर भी अब हम तो जैन हैं ही, हम तो जैन मानते ही थे और हम तो इन सब चीज़ों का ऐसा कुछ लेते भी नहीं है, अब हमारे बीच में कहाँ शराब की चर्चा करो, कहाँ मांस की चर्चा करो। कि सुनो, चलित रस शराब के अंतर्गत आता है। क्या कहा? चलित रस जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का स्वाद बिगड़ गया हो क्या, जिस पेय पदार्थ का
जिस आम का स्वाद बिगड़ गया उसका रस पीना ये शराब पीने बराबर है। क्या सड़ी हुई अनार, क्या उसका जूस पी लिया आपने, वो शराब, शराब क्या चीज है? फ्रूट, फ्रूट जूस है। लोग ऐसा कहते हैं, अरे इसमें क्या है, जूस है ये तो, फलों का रस है, ऐसा ऐसा कहते हैं लोग। अरे भाई सड़ा करके बनाया जाने वाला है वो, उसे शराब कहते हैं। उसकी एक एक बूंद में असंख्यात त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, एक एक बूंद में त्रस जीवों की उत्पत्ति। एक बूंद शराब की पीने के संदर्भ में गायें सात गांवों को जला देने जितना पाप लगता है, एक बूंद शराब की पीने। क्या क्या कह दिया, सभी के यही हाल है, शहद का भी है। सात गांवों को जला करके राख कर दो, कितने अनगिनती मनुष्य मरेंगे उसमें, मनुष्य ही नहीं तिरंच चींटी कीड़े मकोड़े जानवर पशु सब सब। सात गांवों में इतना पाप लगता है एक बूंद में, सावधान रहें। क्या माने, वो चलित रस न हो पाए, स्वाद बिगड़ने न पाए उसके पहले, एक चीज हो गई। सब सब बाजार के जितने आपके जूस मिलते हैं, जितने डब्बा पैक ये मिलते हैं आपके, समझ लो आप ये फ्रूटी और न मालूम क्या क्या जो आते हैं ना, हैं पेय जूस जितने भी आते हैं, चाहे वो एप्पल का हो चाहे आम का हो चाहे कोई भी हो, बाजार में मिलते हैं, अरे इसमें क्या है, ये तो फ्रेश है, ये जूस तो शराब पीने का पाप लग रहा है। क्या कोल्ड ड्रिंक्स सब शराब पीने बराबर है, सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक सब चलित रस जैसा है, है? जिनका त्याग, जब तक त्याग नहीं हो तब तक आपको पाप लग रहा है। मांस भक्षण के त्याग की चर्चा कर रहा हूं, अभी पढ़े ही नहीं अपन ने कुछ भी, क्या कहना चाहते हैं तो आचार्य देव तो नाम तो गिनाई दिए। मांस भक्षण के त्याग की बात कहना चाह रहा हूं, कर मत देना भी गलती से, सोच समझ के करना। अरे हाँ हमने तो कर दिया, अभी सुनते ही आपकी बात सुनो, आप कर दिया तो आप फिर भुगतना पालन करना दृढ़ता से। द्विदल खाने में मांस खाने का पाप लग रहा है, मांस भक्षण का त्यागी व्यक्ति द्विदल नहीं खा सकता। अनचने पानी में तो त्रस जीव उत्पन्न होंगे कि एकेंद्री होंगे कि जो भी होगा, ठीक है ना, वो उसमें ये तो मांस भक्षण का, आलू खाने में मांस खाने का दोष नहीं है, उसमें एकेंद्री है। जमीकंद खाने में एकेंद्रीय है, पाप तो महा है उसमें भी, मैं खाने की नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुलना की बात कर रहा हूँ। आलू खाने से ज्यादा बड़ा पाप है दही बड़े खाना, आलू खाने से ज्यादा बड़ा पाप है दही की कड़ी खाना, आलू खाने से ज्यादा बड़ा पाप है ये द्विदल का विवेक नहीं होना। मांस खाने का पाप लग रहा है इसमें, बोलो कितना विवेक है हमारे को, होश ही नहीं है हमारे में, हम जैनी है भाई साहब, ये जैनी के खाने योग्य नहीं है दही की नुक्ती, वो दही का रायता बेसन की बूंदी वाला, उस रायते की कह रहा हूँ, कहीं दही के रायते आप खीरे ककड़ी के रायते को निश्चित करो, वो नहीं। कितनी खतरनाक चीज है, त्रस जीव उत्पन्न हो रहे हैं उसमें, त्रस जीव तुरंत मिनटों में हो रहे हैं, मिनटों में, मिनटों तक तो रहता नहीं है, सेकंडों में गले से नीचे उतर जाता है, अंदर जाकर के त्रस जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, और महापाप लगता है, जैनी कहलाने के योग्य नहीं है। थोड़ा बहुत विवेक यदि नहीं रखे तो, आप दही की सब्जी खा रहे हैं कोई दूसरी समझ लो आप, जिसमें दोष नहीं है, और फिर नमकीन साथ में खा रहे हैं, फिर पापड़ साथ में खा रहे हैं, फिर सावधानी रखनी पड़ेगी, आप नहीं रखेंगे तो आप दोष के भागीदार हैं। बाजरे की खिचड़ी में क्या दिक्कत है, बाजरे में दिक्कत नहीं है, दाल डलेगी तो फिर है ही गलत ना, हमारे तो बिना दाल तो बनती नहीं, इसलिए मुझे विवेक मतलब पता नहीं है, हम लोग दाल नहीं डालते, हम तो खाली बाजरा होता है बस, तो बाजरे को दही दूध के साथ में खाने में कोई दिक्कत नहीं, बाजरे में दोष नहीं है, लेकिन दाल यदि मिला दी गई है, क्या
चावल मूंग की खिचड़ी यदि बना दी गई है क्या, तो आप दही नहीं खा सकते, दही के साथ में नहीं खा सकते। हाँ दूध दही, मैं तो दूध भी नहीं लेता बिल्कुल, क्योंकि गौर शब्द का प्रयोग आया है शास्त्र में, दूध हो या दही हो दोनों के साथ में नहीं। आप समझ लीजिए चाय के साथ में नमकीन नहीं ले सकते आप, क्या डीजल का दोष लगेगा उसके अंदर खाने का। भाई जैनी के पहचान की चर्चा चल रही है, जैनी के लक्षण की चर्चा चल रही है, कौन जैनी है। जैनी नहीं साहब, हम तो डीजल भी नहीं लेते है ना, मांस खाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे माध्यम से तो द्विदल वगैरह भी नहीं होता। वो घटना पंडित कैलाश चंद जी की मेरी सुनाई हुई है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सबकी सुनी हुई है 90%। क्या निहाल जी साहब, पंडित कैलाश चंद जी वो नहीं, वो जो है क्या नाम है बनारस वाले दादा, बहुत उल्लेख कई प्रमाण देते हैं और पुराने विद्वान रहे हैं पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री वगैरह के साथ में, उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया। जैन साहब आपने सुनी क्या, आपने भी नहीं सुनी, तो सुनानी पड़ेगी, और भी कई लोगों ने नहीं सुनी होगी, चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने सुनी वो दोबारा सुनो। उन्होंने घटना का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि हम रोजाना घूमने के लिए जाया करते थे बनास नदी के किनारे या बेतवा नदी के किनारे रोजाना वहाँ, और रोजाना घूमने जाते थे तो हम वहाँ देखते थे कोई मुस्लिम भाई अपने साथ में दो तीन तीतर लेकर के आते थे, तीतर या ना पक्षी जैसा होता है, कबूतर जैसा होता है, कुछ मुर्गे जैसा होता है, मुर्गे का ऊपर का वो हटा दो तो मुर्गे जैसा होता है, मतलब वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है वो तीतर, तो वो लेकर के आते थे। पर हम रोजाना देखते थे वो पता नहीं क्या करते हैं। एक दिन हमने उनसे पूछ लिया कि भैया करते क्या हो, तो उन्होंने हमारे को पूरी घटना बताई, वो उन्होंने खुद ने लिखी है, आप बीती बात उन्होंने लिखी है, लिखी लिखित में है, कोई 15-1 साल पहले पिताजी ने निकाल करके बतलाई थी मेरे को किसी किताब में, अभी खुद ही भूल गए होंगे, घर पे थी किताब, उसके अंदर उन्होंने उनकी पूरी घटना लिखी हुई बतलाई। तो बोले उसमें उनसे पूछा तो बोले क्या करते हो, बोले घर से दही और बेसन मिला करके लाता हूँ क्या, और यहाँ नदी किनारे यहाँ लाकर और इसमें अपनी जो लार है ना मुंह में बनने वाली सलाइवा, ये इसको मैं थूकता हूँ इसमें और मिलाता हूँ, और 10-5 मिनट इधर उधर घूमते हैं तब तक इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लटें ऐसे तड़पने लगती हैं। ये जो तीतर लेकर के आता हूँ ना मैं, इनका भोजन तैयार हो जाता है, ये एक एक लट उसमें से चुन चुन करके खाते हैं, ये उनका भोजन है, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है ये काम 5 से 10 मिनट में, और फिर मैं टहलता हूँ जितनी देर उतनी देर में सारी लटों को खा जाते हैं ये और फिर चले जाते हैं। रोज का क्रम था, ये घटना का उल्लेख उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि ओहो ये द्विदल के संबंध में हमने शास्त्रों में तो बहुत बार पढ़ा था या? और पालन भी करते थे, लेकिन जब ये प्रैक्टिकली ये बात देखी मुस्लिम भाई के माध्यम से ऐसी, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि वास्तव में ये ऐसी ऐसी बात है, हम क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं गर्म करने से नहीं होगा, लोग कहते हैं उबाला हुए से नहीं होगा, दही गर्म किया हुआ हो, अरे विकल्प मत करो, और होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा ये तो सोच, संशय वाली चीज लेनी नहीं चाहिए। हमेशा इस संदर्भ में वही बात कहते हैं कि वो दूध का गिलास आपके सामने आया और किसी बच्चे ने आपसे कहा अंकल पीना मत, छिपकली गिर गई थी कढ़ाई में, बोलो आप पियोगे क्या। इतने में दो व्यक्तियों ने आकर के कहा कि नहीं नहीं वो गिरी तो थी लेकिन वो अंदर गिरी है बाहर पता नहीं, अंदर तो नहीं गिरी होगी बाहर ही गिरी है, ले लो आप तो ले लो वो तो नहीं नहीं दौड़ते हुए पता नहीं, तो गिरी तो थी पर निकल करके भाग गई, आप तो ले लो। भाई साहब क्या फर्क पड़ रहा है क्या? ले लेने से कौन सा बहुत बड़ा निहाल हो जाएगा और नहीं लेंगे तो कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अपन तो रहने दो सावधान रहो। ये साहब हम तो बहुत फिर भी दृढ़ता से पालन करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, तो एक बात और कहता हूँ मांस भक्षण के त्याग के संदर्भ में, वो अलग तरह की चीज है,
देखो कई लोग उंगली कटते ही सीधी मुंह में ले लेते, जैसे उंगली कट गई छोटे बच्चों को ये सिखा देते हैं, अब बच्चों को सिखा देते हैं सब, ये तो पता नहीं कैसी हैबिट बचपन से ऐसी होती है, उंगली कट जाए और कटते ही सीधा मुंह में ले लेना, खून आ रहा है, दौर से कट गया, चक्कू से कट गया, ब्लेड से कट गया और तुरंत हमने उसको मुंह में ले लिया। तो सुनो भाई, ये जो है ना, मैंने वहां से ऐसा वाक्य कहा, मैंने कहा बताओ एक व्यक्ति, दो तीन तरह की बातें कही वहां मैंने, पूरा एक घंटे का प्रवचन था मांस भक्षण के ऊपर, अभी तो मैं यहाँ 25 मिनट चर्चा की मांस भक्षण पे आपसे 20 मिनट। मैंने कहा कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे का खून पिए तो मांसाहारी है या नहीं, क्या बात कर रहे हो सब, दूसरे का खून पिए तो मांसाहारी, अच्छा मेरा खून यदि कोई दूसरा पी जाए तो मांसाहारी है या नहीं, क्या नरभक्षी हो गया ना, मरे हुए की बात नहीं है, जिंदा की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं रोड पर चल रहा हूं और रोड पर आकर के कोई बंदर, कोई कुत्ता, कोई जंगली जानवर, कोई पशु, वो आकर के मेरी उंगली काट करके ले गया, खा गया, तो मैं आपसे पूछता हूं उसने मांस खाया कि नहीं खाया, उस बंदर ने मांस खाया ना, उस बंदर ने क्यों 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 खाया, मैं तो जिंदा हूं अभी, मरा थोड़ी ना हूं, कि नहीं नहीं भाई साहब, जिंदा की भी बॉडी का अंश तो है वो मांस भक्षण है। अच्छा मेरा खून कोई दूसरा पिए तो वो मांसाहारी, और मेरा खून मैं खुद पीऊं तो शाकाहारी, खून तो खून ही है ना, आप नहीं समझे क्या कह रहे हैं हम, आप क्या सोच रहे हैं, ये जो खून की बूंद है यदि ये कोई दूसरा पिए तो मांसाहारी, और ये बूंद यदि मैं पीऊं तो शाकाहारी कैसे हो जाऊंगा, ये मांसाहारीपन के लक्षण है, सावधान रहना, बहुत बारीकियां हैं, दृढ़ता से इन सब बातों का पालन करना है ना। हाँ वो मांस दान है, हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुकूल नहीं है वो बात। हाँ यही प्रश्न किया वहां भी, जीभ कट जाए तो क्या होगा, दांत में से खून आने लग जाए तो क्या होगा, अशक्य अवस्था है, आप उसको पिए नहीं, आप उसको मुंह में न ले लें, आप और क्या कर सकते हो, अब ऐसे तो आप कहोगे सब पेट में कोई नस कट जाए और अंदर ही खून बहने लगे तो क्या करें, बुद्धिपूर्वक हमारा यही काम है कि यदि जीभ कट गई है, दांत में से खून आने लगा है, आप कुल्ला कर लीजिए, ये कर सकते हैं, अरे हम खून पिएंगे नहीं, क्योंकि खून की एक एक बूंद में तरस जीव उत्पन्न हो रहे। एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है अपने यहाँ अमृत चंद्राचार्य का लिखा हुआ, उस ग्रंथ में आचार्य देव ने इतने श्लोक लिखे मांस भक्षण के संदर्भ में, कहीं कहीं तो ऐसा लगने लग गया कि यार ये अपन लोगों की सभा में ये क्या चर्चा है, कच्चा मांस, पका हुआ मांस, पकता हुआ मांस, और ऐसे ऐसे बहुत 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 तरह से अमृत चंद्राचार्य सोच करके लगता है ये वही व्यक्तित्व है जो समय सार में कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, आत्मा अनटच है, अनादि अनंत स्वरूप की बात करते हैं, वही अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं ये मांस भक्षण के स्वरूप के संदर्भ में, इतना विस्तार से चर्चा की उन्होंने वहां, बहुत विस्तार से। देखिए चलिए, सब मुरब्बा फुरब्बा सब ऐसे ही है, सबके हाल इसी तरह के, जहां त्रस जीवों की, देखो मांस की परिभाषा क्या है, सुनो मांस किसे कहते हैं, त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं, त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं, ये मांस की परिभाषा है आगमानुसार, मांस किसे कहते हैं, क्या बेटा मांस किसे कहते हैं, त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं, ठीक है ध्यान रही, त्रस जीवों के शरीर को, अभी त्रस जीव क्या होते हैं, साध्य त्रस जीव क्या है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय जीव, ये सब त्रस जीव कहलाते हैं, त्रस जीवों का शरीर मांस है, इसका मतलब दो इंद्रिय जीवों का शरीर मांस है, शरीर मरे हुए की बात मत करना, तीन इंद्रिय जीव का शरीर, मच्छर यदि किसी चीज में गिर गया है और वो पेट में चला गया तो मांस खाया है आपने, तो मच्छर उसका शरीर मांस है,
लट का शरीर मांस है, चींटी का शरीर मांस है, मनुष्य शरीर का हर अंग ये पार्ट ये सब मांस है, मांस भक्षण का पाप लग रहा है उसमें। तो सावधान रहो, हम मांस भक्षण के त्यागी हैं, हमारे जीवन में मांस भक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब मध्य की चर्चा हो गई, मांस की चर्चा हो, मधु शहद परम। शहद क्या है ये जानते हैं आप? शहद मधु मक्खियों की वोमिटिंग है। फूलों से तो रस लिया था मधुमक्खियों ने, और फूलों का रस लेकर के और अपने छत्ते में जाकर के उसने इकट्ठा किया, तो काई ने हाथ में ले गई होगी कि बोतल में बर्तन में मुंह में ले जाती। क्या बेटा, शहद की बात कर रहा हूँ, हनी की, समझ रहे हो? ये मुंह में भर करके ले गई और वहां जाकर के क्या किया उसको, वोमिटिंग किया। और एक दो नहीं, क्या अनगिनती मक्खियां और लाला करके वहां वोमिटिंग कर रही है। और फिर क्या, वही उन मक्खियों का पूर्व आकार रहता है, वही उनकी सुसु पॉटी होती है उसी जगह पर, और फिर वही उनकी डेड बॉडी चिपक चिपक करके सैकड़ों वही मर जाती है। और रस निकालने वालों को देखा है आपने, क्या करते हैं, निचोड़ देते हैं उसको। स्पेशल टीम होती है, मैं मिला हूँ व्यक्तिगत इंदौर में ऐसी टीम से, है ना उनका मंदिर भरत मोदी जी का, उस मंदिर में बहुत छत्ते लगे हुए थे, तो हम वहाँ दर्शन करने के लिए गए एक बार। तो दर्शन करने के लिए गए तो हमने वहाँ उस टीम को देखा जो वो छत्ते हटाने के लिए आई हुई थी, स्पेशल वहाँ फटाफट भगाया हमारे को, दूर क्या करते क्या है। तो पूरी टीम होती है बाकायदा, पूरा सब व्यवस्थित उस तरह से आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है उस तरह की, किस तरह से इनको हटाया जाता है, किस तरह से इनको भगाया जाता है। तो वो आग जलाते हैं नीचे से, सबको भगाते हैं वहाँ से, और भगाने के बाद में उसके कपड़ा लगाते हैं, कपड़ा वपड़ा लगा करके उसको ऐसे निचोड़ते हैं उसका रस पूरा का पूरा। वो शहद है, वो शहद की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें अनगिनती मधुमक्खियों का ऐसे जूस बन जाता है, वो खाएं हम, महापाप है। जैनी के जैनी का लक्षण है ये, जैनी व्यक्ति मांस नहीं खाता, जैनी व्यक्ति शराब नहीं पीता, जैनी व्यक्ति शहद नहीं खाता। वैद्य यदि दवाई बतलाते हैं शहद के साथ में ले लो, तो आप उन्हें कहो कि हम शहद नहीं खाते, तो स्पष्ट कहते हैं कि आप चाशनी के साथ में ले लो, हाँ शक्कर की चाशनी के साथ। नहीं, इतने सारे बच्चे हैं ना, इसलिए शहद नहीं खाते बेटा, पर ध्यान रखना लाइफ में कभी भी मार्केट में मिलता है शहद, बहुत ताकतवर होता है, ऐड आते रहते हैं शहद, शहद के बारे में बहुत चलता रहता है, चावन प्राश भी वो शहद जैसे ही उसी तरह के आते हैं, सावधानी। अच्छा, उसमें शहद मिलाया जाता है, चावन प्राश वगैरह में शहद मिलाया जाता है, तो बाजार के बने हुए जो चावन प्राश आते हैं ना, उन सब में यही हालत है। आप ओल्ड डालेगा ले लें अपने, दिगंबर जैन ओल्ड डालेगा, वो लोग बनाते हैं, हमारे शायद डॉक्टर दीपक जी भी बनाते थे, वो भी बनाते हैं, और भी कई अपने घरों में बनाते हैं, हमारे यहाँ तो हमारे तो घर में ही बनाता है, आप घर में बनाते हैं ना, आंवले का बनाया जाता है, उसका बनाया जाता है, मुरब्बे बनाए क्या बोलते हैं इसको, लेकिन मर्यादा का 2-5-7 दिन तक चले बस, वो इतना ही। चलो पूरा करता हूँ भाई मैं, तो देखो बहुत बातें हो गई, सरल अर्थ पढ़ो नीचे। मध्य मांस मधु का त्याग, स्थूल हिंसा के त्याग रूप अहिंसानुव्रत, स्थूल असत्य त्याग रूप सत्यानुव्रत, स्थूल चोरी के त्याग रूप आचार्यानुव्रत, स्वदार संतोष रूप ब्रह्मचर्यानुव्रत, और सीमित परिग्रह रखने रूप परिग्रह परिवाणानुव्रत। ये श्रावक के 8 मूल गुण है। अब देखो त्रस हिंसा का त्याग, मोटा मोटा जीव सामने आ जाए मार कैसे दे भैया, हम नहीं मार सकते, इतना तो कर सकते हो, तो सीधा सीधा चौड़ा ही दिख रहा है, छिपकली सामने जा रही है तो पत्थर मार करके मार रहा है उसको, ऐसा तो नहीं कर सकते हम, मकड़ी जा रही है और मार दिया तुमने, ऐसा तो नहीं कर सकते, इसका तो त्याग किया जा सकता है ना। अहिंसा के त्याग में अपने आप जो जैसे साफ सफाई में जो नहीं दिखने वाले और ऐसे कुछ मर जाए, अलग मैटर है, लेकिन हम जानबूझकर किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकते। मोटे मोटे झूठ का तो त्याग हो, मोटा झूठ का क्या क्राइटेरिया है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का अहित होता नजर आए, ऐसा झूठ तो कम से कम ना बोला जाए।
स्थूल चोरी का त्याग हो। ये स्थूल चोरी का त्याग क्या होगा बताओ, चोरी के त्याग की कहो ना। स्थूल चोरी का त्याग माने ऐसी चोरी का त्याग जिस चोरी से किसी को कोई फर्क न पड़ता हो, फर्क पड़ता हो उसका त्याग, समझ रहे हैं। ऐसी जरूर हो सकती है, आपने ऑफिस के लैंडलाइन का उपयोग कर लिया है तो चोरी, ऑफिस के पेन का उपयोग किया है तो चोरी, घर ले आए घर के काम में ले लिया है तो चोरी, वो समझ रहे हैं ना। लेकिन कम से कम स्थूल ना हो, मोटी मोटी चोरी का तो त्याग हो। इसी तरह से स्वाधार संतोष, अपनी स्व स्त्री या अपने पुरुष को छोड़कर किसी और की तरफ देखना गलत निगाह से, ये दोष है। फिर परिग्रह परिमाण, बड़ी ये आपके पास में बच्चों के पास में छोटे छोटे बच्चे ना, सब गेम देखो आप, अनगिनती होंगे, कभी खेलते नहीं होंगे, थोड़ी सी खराब होने लगे तो एक बैट और चाहिए, दो बॉल और चाहिए, मैं इकट्ठी करके रखेगा, नहीं 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 मेरे को और ये, अब ये थोड़ा सा ऐसा होने लग गया। बैग कितने चाहिए आपको बोलो, कितने ड्राइंग बॉक्स चाहिए आपको, कितने टिफिन चाहिए, इसको ले जाने के लिए बॉटलें कितनी होनी चाहिए अपने पास में, ये परिमाण की बात कर रहे हैं यहाँ। ये तो मैंने बच्चों की बात कही, अब बड़ों की बात करो, कितने कुर्ते चाहिए, कितने शर्ट पैंट चाहिए, कितनी साड़ियाँ चाहिए, मार्केट में निकले फिर एक और खरीद लेते, फिर एक और खरीद लेते, फिर एक और खरीद लेते, एक सूट लेने के लिए जाएं तो तीन खरीद लाएं, एक साड़ी लेने के लिए जाएं तो अभी भी अच्छी लग रही, अभी भी ले लो, अभी हमारे पास में है कितनी पहले ये तो अब तो ये तो परिग्रह परिमाण में कुछ कुछ तो मर्यादा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। कितने मोबाइल होंगे आपके पास में, कितने और एक के बाद एक, एक के बाद एक, छोटी छोटी सी चीज़ें बढ़ती चली जाती है। घर का परिग्रह बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। आप कम करें, आप मर्यादा में बांध लें उसे, लेकिन फिर उसका दृढ़ता से पालन करें। विशेषार्थ, विशेषार्थ में तो चलो ये हो गया ना, आठ गुण गुण प्रश्न उठाया है यहाँ। एक प्रश्न पढ़ लेते हैं, एक कल पढ़ लेंगे, फिर कुछ बच्चे कुछ सुनाने के लिए आए क्या? अच्छा ठीक है, फिर दो मिनट में खत्म करता हूँ, फिर बच्चों से अपन बात करेंगे। मूल श्लोक में तो अणुव्रत की बात नहीं आई, आप अपने मन से ही अणुव्रत का कथन क्यों करते हैं? प्रश्न उठाया, मूल श्लोक में अणुव्रत की बात तो नहीं आई है, मतलब अणुव्रत शब्द का प्रयोग नहीं है, हिंसा जी के त्याग की बात तो आई है। देखो लिखा, श्लोक में अष्ट मूल गुण की बात आई है, तथा श्लोक के द्वितीय पाद में स्व स्त्री मित शब्द से स्वदार संतोष का अर्थ स्पष्ट होता है। पूर्व श्लोक 22 में भी ग्रह मेधिन शब्द आया है, वह गृहस्थ का द्योतक है। इन अनेक कारणों से अहिंसादि व्रत का अणुव्रत रूप ही अर्थ स्पष्ट होता है। मैंने यहाँ अहिंसा के पालन की बात कही, सत्य के पालन की बात कही, अणुव्रत कैसे लगाया? कि भाई गृहस्थ की चर्चा चल रही है इसलिए, श्रावक की चर्चा चल रही है इसलिए अणुव्रत, समझना। शास्त्र का अर्थ प्रकरण के अनुसार ही लगाना चाहिए, यह अपेक्षा भी शास्त्राभ्यासी को ध्यान में रखना आवश्यक है। माने शास्त्राभ्यासी व्यक्ति है उसे शास्त्र के अनुसार ही प्रकरण का अर्थ लगाना चाहिए। जो प्रकरण चल रहा हो उस प्रकरण को गहराई से देखें। प्रकरण चल रहा था, जीवंदर कुमार एक किसान से चर्चा कर रहे हैं और उसे व्रत पालन करने की बात कह रहे हैं, उसको श्रावक के बारे में बतला रहे हैं उसको, तो उसको बतलाते समय ये बात गर्भित होगी कि नहीं कि यहाँ श्रावकों के व्रतों की चर्चा है और श्रावकों के व्रतों में अहिंसा की बात कही तो क्या पूरी तरह से त्यागी हो जाएगा क्या? अणुव्रति हो, श्रावक के व्रतों में सत्य की बात कही तो पूरी तरह से हो जाएगा क्या? ये नहीं होगा, आंशिक ही होगा, इसलिए अणुव्रत ही समझना चाहिए। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात चर्चा तो कल करेंगे और, लेकिन आत्म अनुभूति के बिना, सम्यक दर्शन के बिना ये सब व्रत सच्चे नहीं होते। व्यावहारिक भूमिका में, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की पात्रता की भूमिका में मध्य मांस मधु दंबर फलादिक के त्याग यह अनिवार्य शर्त है।
जिसके जीवन में इन सब का त्याग होता है, इन अष्टमूल गुणों का पालन होता है, व्यापारिक भूमिका में उस जीव को सम्यक दर्शन की पात्रता होती है। और ऐसा सम्यक दृष्टि होने के बाद फिर इन बातों का दृढ़ता से पालन करता है। खैर, हम सभी के जीवन में इन बातों का दृढ़ता से पालन हो, इसी भावना से बात को यही